गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रितिका राठौड़ फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 12 गोपाला रीड कर लिया था और मैंने आपको इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस आपको मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे, जो कि आपको मैंने आपकी नोटबुक में करने के लिए कहा था। आपका ये जो क्वेश्चन आंसर्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स, और कुछ क्वेश्चन टिक राइट जैसे और कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे, उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में किए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम नेक्स्ट आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो फर्स्ट अपना क्या रहा है डिक्शनरी फोकस, इसमें क्या है, गोपाला राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। गोपाला ने एक लेटर लिखा है किसको, अपने अंकल को, हु लिव्स इन द सिटी। वो कहाँ रहते हैं, सिटी में, लेकिन गोपाला कहाँ रहता था, विलेज में। गो थ्रू हिज लेटर एंड करेक्ट द 10 स्पेलिंग मिस्टेक ही हैज मेड। उसने यहाँ पर 10 स्पेलिंग मिस्टेक की थी। रीचेक एंड ईच करेक्टेड वर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीचेक करना है और उन वर्ड्स को करेक्ट करना है किसकी हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से। योर टीचर विल यू गिव यू 1 पॉइंट ऑफ द ईच वर्ड यू करेक्ट। अब जैसे जैसे आपने एक एक वर्ड आपने करेक्ट किया, आपके टीचर आपको एक एक पॉइंट देंगे। राइट योर स्कोर डू दिस योर इन योर नोटबुक। फिर आप अपना स्कोर लिखोगे कि आपने आपको 10 ऑफ टू कितने स्कोर मिले। तो हम देखते हैं यहाँ पे उसने कितनी मिस्टेक्स की है, तो देखो रीड करते हैं हम। 10 अक्टूबर 2000, यहाँ पर उसने XX लिखा है, तो आप कुछ भी ईयर लिख सकते हो, तो ये कोई मिस्टेक नहीं हुई। ओके डियर अंकल, ओके। उसके बाद उसने क्या लिखा, लाइफ हैज बीन फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे एक्साइटमेंट की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है उसने, एक्साइटमेंट की स्पेलिंग क्या लिखी है उसने, वो यहाँ पर एक्साइटमेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, तो एक्साइटमेंट की स्पेलिंग हम सही लिखेंगे। इसके नीचे आप लग कर दो अंडरलाइन और अब एक्साइटमेंट की स्पेलिंग लिखो EX। इसको मैं रफ कर रही हूँ, वापस देखो यहाँ पे आप करोगे अंडरलाइन, लिखो EXCITEMENT। एक्साइटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EXCITEMENT। और उसने क्या लिखी, ECITEMENT। तो यहाँ पर उसकी क्या हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। अब आगे हम रीड करते हैं, फॉर मी इन द लास्ट फ्यू वीक्स। अब मैं आपको इसके साथ साथ इसने क्या लिखा है उसका हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ। Life has been full of excitement, कि मेरी लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी हुई है। फॉर मी इन द लास्ट फ्यू वीक, वो भी कितने, लास्ट फ्यू वीक्स में मैं बहुत एक्साइटेड था। इट बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है उसने, BECOSE। तो ये स्पेलिंग नहीं होती बिकॉज की, तो यहाँ पर हम बिकॉज की स्पेलिंग लिखेंगे BECAUSE। तो आप यहाँ पर जो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको पीछे नीचे अंडरलाइन करके ऊपर करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे। तो बिकॉज की स्पेलिंग गलत हो गई, ऑफ माई एल्डर ब्रदर। क्योंकि मैं इतना खुश क्यों हूँ, लास्ट फ्यू वीक से मेरे एल्डर बड़े भाई की वजह से। ही इज ए काउ हर्ट। अब उसने काउ हर्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है और अपने चैप्टर में काउ हर्ट की स्पेलिंग क्या आई है, तो ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ना, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग सही लिखेंगे COWHERD, काउ हर्ट। ही लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है उसने, फॉरेस्ट की स्पेलिंग सही लिखेंगे FOREST, फॉरेस्ट। ही अ कंपेनियंस, क्या लिखा है उसने, ही अ कंपेनियंस की मी ऑन माई वे स्कूल
स्कूल की स्पेलिंग देखो, उसने यहाँ पे क्या लिखी, स्कूल की स्पेलिंग भी उसने गलत लिखी, तो स्कूल की स्पेलिंग भी सही करो यहाँ पे, SCHOOL, स्कूल, एंड बैक होम। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि वो हमारे साथ होता, मैं वो मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल से वापस घर की ओर आता था, उस रास्ते में वो किसके साथ होता था, गोपाला के साथ होता था। ही टेल्स मी वंडरफुल स्टोरीज, यहाँ पे स्टोरीज की स्पेलिंग देखो उसने क्या लिखी है, गलत है ना, तो स्टोरीज की स्पेलिंग से लिखो STORIES, स्टोरीज। एंड वी प्ले मैनी गेम्स टूगेदर, कि हम लोग साथ गेम खेलते थे। टुगेदर की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत, TOGETHER, टुगेदर की स्पेलिंग ये होती है, कि वो मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाता था और हम आते हुए रास्ते में गेम्स भी खेलते थे। नाउ आई एम नो लॉन्गर स्कैड टू द गो टू स्कूल, कि अब मैं स्कूल जाते वक्त नहीं डरता हूँ। वन डे ही गेव, अब यहाँ पे गेव की स्पेलिंग गलत, GAVE, गेव मी अ बाउल फुल ऑफ बटर मिल्क टू टेक टू स्कूल, टू टेक टू स्कूल, एक दिन उसने मुझे क्या दिया, बटर मिल्क दिया था स्कूल ले जाने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन लव्ड इट, दे ऑल ड्रैंक एंड ड्रैंक, बट द बाउल रिमेन, यहाँ पे रिमेन की स्पेलिंग गलत, तो यहाँ पे हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे REMAINED, रिमेन फुल। प्लीज कम टू द विलेज, आई वुड लाइक यू टू मीट माई न्यू फ्रेंड, कि तुम जल्दी से आओ, आप जल्दी से विलेज आओ, मैं आपको मेरे न्यू फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग गलत FRIEND, फ्रेंड से मिलवाऊंगा, विद रिगार्ड गोपाला। तो 10 स्पेलिंग उसने गलत की थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो कि हमने इसमें ढूंढ ली। उसने एक्साइटमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी, बिकॉज की स्पेलिंग गलत, काव्यर्ड की स्पेलिंग गलत, फॉरेस्ट की गलत, स्कूल की गलत, स्टोरीज की गलत, टुगेदर की गलत, गेव की गलत, रिमाइंड की गलत और फ्रेंड की गलत। तो ये सब जैसे जैसे हमने ऊपर कट करके न्यू स्पेलिंग लिखी है, तो आप भी वैसे ही अपनी बुक में लिखोगे। ओके, तो मैं अभी रफ कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है थिंकिंग कैप ऑन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गिवन बिलो आर टू सेट्स ऑफ सेंटेंस, नीचे आपको दो सेट्स दे रखे हैं किसके, सेंटेंसेस के। वन टेल्स यू व्हाट हैपेंड, एक सेंटेंस, एक आपको सेट ये बताता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एंड द अदर गिव्स यू द रीजन फॉर इट, और अदर वाला आपको पूछ रहा है, अदर वाला जो सेट है उसमें आपको उसका रीजन लिखे हुए हैं उन सेंटेंसेस में। मैच द सेंटेंसेस, और हमें क्या करना है, उन सेंटेंसेस को मैच करना है। तो ये हम करते हैं कि कौन सा सेंटेंस किससे मैच होगा। देखो फर्स्ट अपन रीड करते हैं, व्हाट हैपन, उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, गोपाला रिफ्यूज टू गो टू स्कूल। गोपाला ने स्कूल जाने से क्यों मना किया था, ये तो हमें पता था ना क्यों मना किया था, तो नीचे हम सेंटेंसेस रीड करते हैं। शी वॉन्टेड टू हिम प्रोटेक्ट गोपाला, नो। ही वॉज एस्टोनिश वेन ही बाउल अ बटर मिल्क रिमेंड फूड, नो। देयर वर अ पुअर एंड डिड नॉट लीव हैव मच टू ईट, नो। गोपाला स्काउहर्ड ब्रदर कीप हिम कंपनी, नो। ऑल चिल्ड्रन लव द बटर मिल्क, नो। गोपाला वॉज फ्राइटेंड ऑफ द वाइल्ड एनिमल ऑन द वे, हाँ, कि वो डरता था किससे, वाइल्ड एनिमल से। तो इसको आप ऐसे इससे मैच कर देना, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो F। ओके, फिर आप लिखोगे सेकंड वाला, लर्न करते रीड करते हैं हम, यहाँ पे आप लिखोगे F
सेकंड वाला करते हैं, हिज मदर प्रे टू लॉर्ड कृष्णा, कि उसकी मदर लॉर्ड कृष्णा से क्यों प्रे कर रही थी। सेंटेंसेस, शी वॉन्टेड हिम टू प्रोटेक्ट गोपाला, शी वॉन्टेड टू हिम टू प्रोटेक्ट गोपाला, इसीलिए किया था कि वो गोपाला की क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और ये हो जाएगा इससे मैच। गोपाला वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, गोपाला फिर डरना बंद क्यों कर दिया था उसने उस रास्ते से जाने के लिए। तो सेंटेंस रीड करते हैं हम, कौन सा होगा इसमें सही, डी वाला होगा, गोपालास कावर्ड ब्रदर केप्ट हिम कंपनी, की गोपाला का जो कावर्ड ब्रदर था उसने उनको क्या दी थी, गोपाला को क्या दी थी, कंपनी दे रही थी। तो इसके आगे आ जाएगा डी, थर्ड का क्या हो जाएगा डी, तो थर्ड वाला मैच हो जाएगा हमारे डी से। फिर उसके बाद गोपाला डिड नॉट आस्क हिज मदर फॉर समथिंग टू टेक हिज फीस्ट, कि गोपाला ने अपनी मदर को क्यों नहीं कहा कि उसके स्कूल में दावत का प्रोग्राम रखा गया है, ऐसा क्यों नहीं बताया गोपाला ने अपनी मदर को। तो इसका आंसर क्या है, ये रहा, दे वर पुअर एंड डिड नॉट हैव मच टू ईट, कि वो लोग क्या थे, पुअर थे, इसलिए उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, इसलिए गोपाला ने अपनी मदर को बताना जरूरी नहीं समझा। तो आपको ये फोर्थ वाला मैच कर देना इससे सी से, आप मैच नहीं करना चाहो तो आप आगे ऐसे नंबर और ये अल्फाबेट लिख सकते हो। ओके, गोपालास ब्रदर गेव हिम बटर मिल्क, गोपाला ने अपने ब्रदर को, गोपाला के ब्रदर ने उसको क्या दिया, बटर मिल्क दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल चिल्ड्रन लव द बटर मिल्क, जो गोपाला ने ब्रदर ने, गोपाला के ब्रदर ने बटर मिल्क दिया वो सबको क्या पसंद आया, सब चिल्ड्रंस को। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ई, फिफ्थ वाला मैच हो जाएगा ई से। फिर उसके बाद गोपाला टीचर वांटेड टू मीट हिज ब्रदर, कि गोपाला के जो टीचर थे वो क्या चाहते थे कि वो उनसे मिले। He was astonished when the bowl of buttermilk remained full. और वो क्यों मिलना चाहते थे, कि वो जब भी बाउल को सबको परोसते थे buttermilk, तो वो बाउल हमेशा क्या रहता था, फुल ही रहता था। ये देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। तो ये सिक्स्थ वाला हो जाएगा बी से मैच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी। तो ये कैसे हमने किया, कि सेंटेंसेस दे रखे हैं कि क्या हुआ और उनके नीचे रीजंस दे रखे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमने उनको मैच कर दिया। आपको अगर मैच नहीं करना है तो आप ऐसे अल्फाबेट लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में करना है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। Now write about the sentence using because in your notebook an example has been given. यहाँ पर क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है और आपको क्या यूज करना है, बिकॉज यूज करना है अपनी नोटबुक में, ये सेंटेंसेस लिखना है और एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल रीड करके मैं आपको बता देती हूँ। गोपाला रिफ्यूज टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द वाइल्ड एनिमल ऑन द वे, कि गोपाला स्कूल जाने से डरता था, क्यों, बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ वाइल्ड एनिमल ऑन द वे। अब आपको यहाँ पे आपकी मर्जी हो जितने आप स्टैंड सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो, लेकिन उसमें बिकॉज यूज होना चाहिए। तो एक मैं बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे और एक आप बनाना। ओके, मैं लिखती हूँ गोपाला, गोपाला जी ओ पी ए एल ए, गोपालास ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर गेव हिम जी ए वी ई गेव हिम बटर मिल्क बी यू T T E R M I
एलके बटर मिल्क बिकॉज BECAUSE बिकॉज ऑल चिल्ड्रन ALLCHILDREN चिल्ड्रन लव द बटर मिल्क लव्ड द बटर मिल्क. यहाँ पे मैंने यूज किया बटर मिल्क. देखो मैंने यहाँ पे बिकॉज का यूज किया आपके कि गोपाला के ब्रदर ने उसको बटर मिल्क दिया बिकॉज क्योंकि सब चिल्ड्रंस को बटर मिल्क पसंद होता है. तो ये सेंटेंस मैंने लिखा बिकॉज यूज किया यहाँ पे. अब एक सेंटेंस आप ही बनाओगे और लिखोगे उसको कहाँ, सिर्फ अपनी बुक में ही लिखना है. ओके ओके, एक सेंटेंस आप बनाओगे और आपके पेपर नंबर 95 पे कुछ वर्ड स्मार्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगी. आज हमने क्या किया, आज हमने गोपाला की मिस्टेक से किसमें लेटर में जो कि उसने किस लिखा, अपने अंकल को लिखा, वो कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं. हमने 10 मिस्टेक्स फाइंड आउट की और उनको करेक्ट किया. फिर हमने थिंकिंग कैप्स ऑन वाले क्वेश्चंस में मैच किए सेंटेंसेस को और नेक्स्ट हमने बिकॉज यूज करके क्या बनाया, सेंटेंस बनाया. मैंने एक आपको बनाने के लिए दिया है तो आप में ही बना के लिखोगे. नेक्स्ट वर्ड स्मार्ट वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ.